अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद रफीउद्दीन, एसआरके न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन, मेदक जिला शिवमपेट मंडल मखदुमपुर गांव में इस बार सरपंच इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार एमबीए स्टूडेंट मोहम्मद एजाज ने सरपंच चुनाव में जीत हासिल करने का फैसला लिया है। आइए देखते हैं इनका कहना क्या है। एसआरके न्यूज़ तेलंगाना इंचार्ज सोमेश्वर सिंह राणा की तफसीली रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद एजाज है, मैं मेदक डिस्ट्रिक्ट मखदुमपुर गाँव का रहने वाला हूँ जो शिवमपेट मंडल में है। इससे पहले हमारा गाँव दुंती ग्राम पंचायत में एक हिस्सा था। इतने सालों से या तकरीबन जब तक अपने को आज़ादी मिली, जब से हमारा गांव जो है ना दुंती ग्राम पंचायत में है और कुछ भी डेवलपमेंट ना हुआ, दुंती और मखदुमपुर मिला के एक ही सरपंच रहा करता था और उन्हें सिर्फ इलेक्शंस के जब आके वोट मांगने आता था, बकाया 5 साल उन्हें कभी आता नहीं था कि पानी आ रहा नहीं आ रहा, चावल मिल रहे लोगों को, जो भी गवर्नमेंट के स्कीम से वो पब्लिक को मिल रही क्या बोलते, कभी नहीं आता था। तो ऐसा करके हमारे गाँव बात ही नहीं है, मैं बोलना किसी को ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी सबको दिख रहा। इसीलिए मैं जो हालात देख के मेरे मजबूरन पॉलिटिक्स में आना पड़ा, मतलब जो सरपंच के इलेक्शंस होने वाले हैं 25 तारीख को, उसमें मैं सरपंच का एक कैंडिडेट बन के आया हूँ। मेरे को अंगूठी निशान आया है मेरे को, तो मेरे साथ पूरे मेरे दोस्त जो भी लोग हैं, बुजुर्ग लोग, पढ़े लिखे लोग जो भी हैं, जो चेंज चाह रहे हैं, जो जिस लोगों को लोगों की हुकूमत पसंद नहीं आ रही है, वो लोग मेरे को सपोर्ट करें, तो मैं आगे आया और इंशाल्लाह अभी तो मैं इंडिपेंडेंट ठहरा हूँ। अगर मैं जीत गया तो टीआरएस में अगर जाके भी हम लोग वो एज ए कैंडिडेट मैं जाने के लिए तैयार हूँ। इंशाल्लाह आप सब लोगों का सपोर्ट होना है। क्या बोले तो एक बात क्या है बोले तो यंगस्टर्स को सब लोग क्या बोलते पॉलिटिक्स में नहीं आना, यंगस्टर्स के लिए पॉलिटिक्स नहीं है बोल के बोलते, लेकिन पॉलिटिक्स जो है ना यंगस्टर्स के वास्ते है। 70-80 साल का बूढ़ा कुछ भी नहीं कर सकता। जो तकलीफ़ा है आवाम के, जो तकलीफ़ा है, जो ज़रूरत है, वो नौजवान बच्चों को मालूम रहते, और हमारे जैसे बच्चे जो है ना डिग्रियां लेके हाथ में हालात के मारे इधर उधर फिर रहे, लेकिन जॉब किसी को भी नहीं मिल रहे। अगर मिले तो भी वही 10-15 हज़ार से उन की ज़िंदगी वेस्ट कर दे रहे। तो आप दूसरे के लिए इतना एफर्ट्स लगाते हैं, कई को अपने अपने गांव वालों के लिए, अपने लोगों के लिए उन लोगों के लगा के उन लोगों की ज़िंदगी सुधारे, तो आपको बहुत सवाब मिलता और आपको बहुत डेवलपमेंट रहता। तो मेरा मैसेज ये है कि जितने भी लोग हैं यहीं नहीं अपने तेलंगाना में, ऑल ओवर दी इंडिया के यंगस्टर जो भी है वो पॉलिटिक्स में आओ। कितने दिन दूसरे लोगों की चमचागिरी करते रहते, आप में टैलेंट है, इसकी उसकी जय जयकार नको करो, आप आओ, आप बदलो चीज़ आपको, इंशाल्लाह ज़रूर आपको सपोर्ट मिलेगा लोगों से। अगर आपकी नीयत साफ़ है, अगर आप अच्छाई के लिए लड़ रहे हैं, तो ज़रूर इंशाल्लाह आप एक ना एक दिन जीतोगे। तो यही मैं बोलना चाह रहा था कि हमारा मैनिफेस्टो है, हम लोग एक और एक चीज़ जोड़कर ये गाँव को जो जो ज़रूरत हैं, पिछले 50 साल में जो नहीं हुआ, ये पहली बार हमारे को ग्राम पंचायत आई, और ग्राम पंचायत आने से पहली बार मैं सरपंच अगर मैं जीत गया तो अल्लाह के फजल से ये पूरे चीज़ें करूँगा बोल के मैं आ गया। इससे अपने पूरों को सपोर्ट है, हम लोग पूरे पढ़े लिखे हैं और हमारे जो भी एजेंडाज है हम लोग पूरे कंप्लीट करते बोल के मैं इस मौके पे बोल रहा हूँ। तो मेरा बोलने का क्या है बोले तो 25 तारीख को जो इलेक्शन हो रहा है उसमें रिंकू जो मतलब छल्ला मेरा निशान है उसको वोट डाल के मेरे सरपंच को जिताओ, इंशाल्लाह 5 साल में बहुत सारे डेवलपमेंट करके दिखाऊंगा। शुक्रिया। वोट फॉर रिंग।